दोस्तों, असली देखने का मजा तब आता है जब जमीन और पानी के विचित्र चौंका देने वाले अजीबोगरीब जीवों की हरकतें देखने को मिलती है। समुद्र तट पर रोमांचक दिन का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि हम आपको वो घटना दिखाने जा रहे हैं जिन्हें आप सुनते तो कभी यकीन नहीं करते अगर उन्हें कैमरे में फिल्माया नहीं गया होता। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। गायब होने वाली समुद्री शैवाल। समुद्र और समुद्र तल इस समुद्री शैवाल की तरह रंगीन और रहस्यमय जीवन से खिल रही है। अरे अरे रुको, यह कहाँ गया? यह अजीब समुद्री शैवाल कोई समुद्री पौधा नहीं है, बल्कि बालों वाली समुद्री ककड़ी के रूप में पहचाने जाने वाली एक जानवर है। वे समुद्र तल पर रेत के नीचे खुद को छिपा लेता है और अपनी शाखाओं को फैलाता है। समुद्री शैवाल की नकल करते हुए अपने शिकार के संपर्क में आने और उस पर घात लगाने की प्रतीक्षा करते हैं। ये खुद को शिकारियों से बचाने के लिए खुद को रेत के नीचे दबा लेते हैं। हालांकि वे ऐसा दिखा सकते हैं जैसे वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ये बालों वाले समुद्री खीरे भेष बदलने में माहिर है और जीवित मृत मछलियों पर घात लगाने में भी बहुत माहिर है। मगरमच्छ की सांप को खाने की कोशिश। यह अगला वीडियो प्रफुल्लित करने वाले क्षणों को दिखाता है जब एक खारे पानी के मगरमच्छ ने एक शार्क को पकड़ने की कोशिश की जिसे मछुआरे ने पकड़ लिया था, लेकिन उसे केवल एक झटका लगा। यदि आप क्लिप को बिना किसी संदर्भ के देखें तो ऐसा लगता है कि मगरमच्छ अपने दोस्त शार्क को मछुआरे से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि मछली पकड़ने वाली छड़ी से उसके सिर में चोट लग जाती है। जीवित मरी हुई मछली। क्या समुद्र तट के आसपास अच्छी तरह से टहलने के दौरान चीन में एक व्यक्ति को मछली के मम्मी जैसे अवशेष मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यह मछली एक खस्ता टोस्ट की तुलना में अधिक पकड़ीदार है। लेकिन रुके, ये क्या यह मम्मी जीवित है? यह मछली जोम्बी कैटफिश के रूप में जानी जाती है। वे पानी के छींटे के साथ ही जीवित हो सकती है। इस मछली को आम प्लीको के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसने हाइबरनेशन जैसे मोड में स्विच करने की क्षमता विकसित कर ली है, जिसका अर्थ यह है कि यह बारिश के बिना महीनों तक सूखी मिट्टी में जीवित रह सकती है। यह देखने में बहुत ही आकर्षक और आश्चर्यजनक है। घोड़े की नाल के केकड़े। जब आप समुद्र के किनारे पर हो तो सुनिश्चित करें कि एलियन आपके आसपास तो नहीं है। हो सकता है कि वो रेत के नीचे छिपे हो और आपके द्वारा वो बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हो। इन अजीब दिखने वाले जीवों की तरह उन्हें घोड़े की नाल के केकड़े के रूप में जाना जाता है और वे इस ग्रह पर सबसे पुराने जीवित जानवरों में से एक है। इन जीवित जीव ने पृथ्वी पर कम से कम 44 करोड़ 50 लाख वर्षों तक अपरिवर्तित शासन किया है, यहाँ तक कि डायनासोर के अस्तित्व में आने से भी पहले। क्या यह अच्छी बात नहीं है? आप हमारे ग्रह के शुरुआती दिनों से जीवित जीव को देख रहे हैं। फंसे हुए हम्बैक रेस्क्यू किए गए। हम्बैक व्हेल बड़े और भारी होते हैं और जब वे समुद्री तट पर फंस जाते हैं तो उन्हें बचाना काफी कठिन काम होता है। यही कारण है कि ज्यादातर समय बीच पर फंसने वाली व्हेल अक्सर मर जाती है, लेकिन यह सौभाग्य नहीं। बेबी हम्बैक व्हेल एक समुद्री तट पर फंसी हुई पाई गई थी, इसलिए इससे अधिक लोगों ने समुद्र तट पर जाके रस्सियों का उपयोग करके बेबी व्हेल को बचाने में मदद की। उन्होंने एक टीम के रूप में एक साथ काम किया और बेबी व्हेल को वापस पानी में ले जाने में कामयाब रहे। बच्चा धीरे धीरे वापस समुद्र में तैर गया। ये लोग अपनी मानवता और दया के लिए एक पुरस्कार के पात्र है। अचानक उभरता नया हिमखंड। क्या आपने कभी हिमसेल का जन्म देखा है? खैर, यह आश्चर्यजनक वीडियो एक नाव के पास पानी से उभरते नीले रंग के हिमसेल के अद्भुत क्षणों को दिखाता है। यह वीडियो पैटागोनिया अर्जेंटीना में लिया गया था। हुआ यह था कि एक हिमखंड पानी की सतह के नीचे से टूटकर सतह के ऊपर आ गया था, जिससे पानी से बाहर आने वाली एक नए हिमखंड का भ्रम पैदा हो गया था। जंगली व्हेल। व्हेल को वास्तव में मनुष्य के अनुकूल माना जाता है। एक मनमोहक वीडियो में व्हेल पर नजर रखने वालों की एक नाव को दिखाया गया है जो एक कुबड़ वाली व्हेल द्वारा अपना सिर पानी से बाहर निकाल कर नाव के लोगों से जैसे बात करने की कोशिश कर रही हो। ये देख नाव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मानव मित्र को नमस्ते कहने के लिए व्हेल अपने प्रशंसकों को अपनी सुंदरता का स्पष्ट और नजदीकी दृश्य देना चाहती थी, जो इस शानदार जानवर की एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप हमारे अद्भुत कंटेंट को देख सकें। दुर्लभ अल्बिनो बेबी कछुआ।
2016 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर जाने वालों ने एल्बिजियम के साथ एक अत्यंत दुर्लभ बेबी कछुआ देखा। यह कीमती समुद्री कछुआ अभी अभी अपने घोंसले से निकला है और यह पहले से ही समुद्री तट पर जाने वालों के दिलों के साथ खेल रहा है। अफसोस की बात यह है कि अनोखे बच्चे के बचने की संभावना बहुत ही कम है। फायर फिशिंग। मछली पकड़ने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में लोगों ने मछली पकड़ने का एक अनोखा तरीका इजाद किया है। आमतौर पर मछुआरे सुबह जल्दी मछली पकड़ना पसंद करते हैं जब सूरज चमक रहा होता है, लेकिन ये मछुआरे रात में शिकार करते हैं। वे अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए आग के मसालों का इस्तेमाल करते हैं। इस पद्धति का उपयोग करके मछुआरे में से एक मछुआरा मसाल को पानी के करीब रखता है और सैकड़ों सार्डिन मछली पानी से आग की ओर छलांग लगाती है, जबकि अन्य मछुआरे अपने जाल का प्रयोग उछलती हुई मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। यह अधिक कठिन नहीं बल्कि बेहतर तरीके से काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। हंगरी शार्क। हमारी धारणा है कि हम पानी से बाहर रहते हुए शार्क के हमले से सुरक्षित है। यह वीडियो ऐसी सभी झूठी धारणाओं को गलत साबित कर देगा। समुद्री तट पर एक शोध यात्रा के दौरान ये शोधकर्ता एक भूखे सफेद शार्क के साथ आमने सामने आ जाता है, जो खड़े आदमी का गला घोटने के लिए पानी को चीर के बाहर आ जाती है। यह उन सभी के लिए एक अच्छा सबक है जो सोचते हैं कि शार्क के हमले का खतरा केवल पानी में ही होता है। जायंट लेदरबैक रेस्क्यू। एक विशाल समुद्री कछुए को लोगों के एक समूह ने कैटरल केव न्यूफाउंडलैंड के पास देखा। बेचारा कछुआ एक सीप के जाल से बुरी तरह से उलझा हुआ था। उसके गले में जाल लिपटा हुआ था और वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। कछुए को बचाने के लिए ये नेक आदमी सीधे हरकत में आ गए। एक छोटे पॉकेट में से चाकू निकाला और अच्छे दिल के साथ वे जाल में लिपटे समुद्री जीव को मुक्त करने में सफल रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप हमारे अद्भुत कंटेंट को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।